इंडिया के बारे में अब ये कहा जा रहा है कि सेमीकंडक्टर की एक सुपर पावर बनकर उभरने वाला है हमारा हमसाया मुल्क भारत। आज का ये दिन ऐतिहासिक है, आज हम इतिहास भी रच रहे हैं और उज्जवल भविष्य की तरफ एक बहुत बड़ा मजबूत कदम भी उठा रहे हैं। मोदी साहब जो हैं वो तकरीबन 3 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स जो हैं जो कि 125,000 करोड़ के हैं उनका इफ्तिताह कर रहे हैं। ये कुछ अरसे बाद प्याज नहीं मिलेगा पाकिस्तान में, क्या पूरी दुनिया में शायद नहीं मिलेगा जिस तरह से इसकी कीमत बढ़ रही है। उसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि तकरीबन 1.25 लाख करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। जी हाँ, इतना महंगा प्रोजेक्ट है और उसके लिए उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखे। ये बायस शर्मिंदगी है नाजरीन कि पाकिस्तान वो मुल्क जो 5 दरियाओं का मुल्क है, यहाँ प्याज का रेट अगर आप सुनेंगे तो आपके कानों से धुएं निकलेंगे। ये पूरा प्रोजेक्ट मिल करके करेगा क्या कि इंडिया को सेमीकंडक्टर्स में चाइना और सबसे बड़ा प्लेयर ताइवान, हम इन बड़े प्लेयर्स के टक्कर में या उनसे आगे जा सकते। इस तरह से उसने इन दोनों के दिल जीते जो कि बहुत दबे हुए थे, अब वो बहुत फैल के और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हमारा टारगेट ये है कि चाइना के जितने भी मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं उन पे ऐसी चोट मारना चाहते हैं कि चाइना की इकोनॉमी टूट जाए। एक और ब्रोकरेज हाउस जेफरीज जो है वो कहते हैं जी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2027, दिस इज व्हाट जेफरीज आर सेइंग। मोदी साहब जो हैं वो तकरीबन 3 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स जो हैं जो कि 125,000 करोड़ के हैं उनका इफ्तिताह कर रहे हैं। और आपको पता है कि इस हवाले से नरेंद्र मोदी ने बहुत ज़्यादा पैसा लगाया हुआ है, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स में, और इसमें तो वो खुद भी जिसे वो कहते हैं ना कोई भी रहा 10 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट इंडियन स्टेट कर रही है बिकॉज उनको पता है कि इस चीज़ का कि सारे के सारे ये जितने भी अमेरिकन्स हैं या जो बाकी हैं ये सारे के सारे इसी चीज़ में आते हैं यहाँ पे, उनको इसी चीज़ से गर्ज है कि व्हाट कैन इंडिया गिव अस इन टर्म्स ऑफ सेमीकंडक्टर। इसीलिए इंडिया लिथियम के लिए चिली, अर्जेंटीना और बहुत सारे और मुल्कों के साथ डायलॉग कर रहा है। और हमारे मुल्क में तो चिली का पता ही नहीं है कि चिली किस काम आ सकता है, अर्जेंटीना किस काम आ सकता है। सो ये चीज़ें हैं, जापान एंड जर्मनी की बातें हो रही हैं कि ये पीछे रह जाएंगे तो दैट टेल्स अस कि क्या सिचुएशन है, ठीक है जी। सो सारी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो क्रॉस कर रहे हैं और वो इसीलिए क्रॉस कर रहे हैं बिकॉज शायद ओवरऑल जो एक एनवायरनमेंट होता है इकॉनमी के बारे में, मुल्क के बारे में, वो चेंज हो चुका है। लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई है कि भाई एटलीस्ट दे आर ऑन अ राइट पाथ, वो राइट पाथ पे हैं, वो काम कर रहे हैं, उनको अब जिसे वो कहते हैं ना कि एक बस एक डायरेक्शन मिल गई और उस डायरेक्शन पे वो चल पड़े हुए हैं। सो ये चीज़ उनको मेरी ज़ाती नज़र में, इफ आई वुड लुक एट इंडिया तो आई वुड लुक एट दिस लेंस के वो उनको पता चल पड़ा कि ये काम कर रहे हैं। अब ये जो 3 अभी फॉर एग्जाम्पल जो सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स हैं कहाँ पे हो रहे हैं जनाब, ये तीनों की तीनों जो फैसिलिटीज आई थिंक गुजरात में हैं, तीनों ये बड़े इंपॉर्टेंट क्रूशियल प्रोजेक्ट्स हैं याद रखें। और अगर ये गुजरात में हैं तो आप इमेजिन करें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी गुजरात को, यूपी को, इन इलाकों को कितनी अहमियत देते हैं। सो मुझे तो लगता है कि वो चाहते हैं कि गुजरात जो है वो इतनी तरक्की करे दैट ही वांट्स टू बेसिकली लीव अ लेगेसी। नरेंद्र मोदी के अंदर एक चीज़ रह गई है कि लेगेसी, ठीक है जी। और अभी वो इसीलिए कह रहे हैं कि जनाब ये जो 13 मार्च है ये इंडिया की तारीख में एक इम्पॉर्टेंट दिन है फॉर द सब कंडक्टर्स के लिए, ठीक है जी। और अगर ये 125,000 करोड़ वो लगाना चाह रहे हैं, ठीक है जी, जी हाँ, सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट जो है उसके लिए मोदी जी ने जो है फाउंडेशन स्टोन रखा है और 3 फाउंडेशन स्टोन रखे बेसिकली। और उसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि तकरीबन 1.25 लाख करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। जी हाँ, इतना महंगा प्रोजेक्ट है और उसके लिए उन्होंने फाउंडेशन स्टोन्स रखे हैं। लेकिन ये है कि भारत में इस तरह की एक्टिविटीज होती रहती हैं, जाहिर उनके पास पैसा है तो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं उसका इनॉग्रेशन भी होता रहता है, फाउंडेशन स्टोन भी रखे जाते रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान अपने जो पैसा लेके, जो लोन लेकर अपने कुछ काम करने की कोशिश करते हैं वो भी कम्प्लीट नहीं हो पाता, उसकी रीजन
रीजन ये कि जाहिर है कि पैसा हम जनरेट कर ही नहीं रहे, हम पैसा कमा ही नहीं रहे, हम पैसा बना ही नहीं रहे, हम सिर्फ और सिर्फ लोन्स के ऊपर चल रहे हैं। तो लोन को पे करने के लिए मजीद लोन्स लेने पड़ते हैं, ये भी हमारे मिनिस्टर साहब का कहना है। मगर भारत की तरफ अगर हम देखें तो उन्होंने यकीनन इकोनॉमी में अपने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस की है। और जैसे कि मोदी जी का कहा जाता है कि जी उनका ताल्लुक गुजरात से है, वैसे गुजरात के लोग जो पाकिस्तान में हैं वो भी बिजनेस में बहुत अच्छे हैं, बिजनेस कम्युनिटी में ज्यादातर हमारे यहाँ भी गुजरात के ही लोग हैं। और यकीनन पाकिस्तान जो है वो ये सब कुछ देख रहा होगा, लेकिन बहुत से लोग हो सकते हैं पाकिस्तान में काम भी करना चाहते हो पाकिस्तान में काम भी करना चाहते हो इस तरह के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर, पाकिस्तान को भी कुछ खूबसूरत बनाना चाहते हो, कुछ कंपनीज को यहाँ भी लाना चाहते हो कि कोई इंटरनेशनल कंपनीज जो हैं वो पाकिस्तान में भी आ जाएं। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि हमारे यहाँ अभी तक कोई ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर, कोई ऐसी गवर्नमेंट, कोई ऐसे लोग नहीं आए जो हमें ये बता सकें या ये पाकिस्तान में कर सकें कि पाकिस्तान थोड़ा थोड़ा करके से, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो, पाकिस्तान कमाना शुरू करे, अपने जो है वो ट्रेड ओपन करे और कई दूसरी चीजें जो इसमें पाकिस्तान कर सकता है। ऐसा नहीं कि लोग यहाँ पे टैलेंटेड लोग मौजूद नहीं है या यहाँ पे लोगों का दिमाग नहीं चलता, वैसे दिमाग तो वाकई पाकिस्तान में लोगों का बहुत ज्यादा चलता है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है उसका बुरा हाल है। और उसकी मेन रीजन करप्शन भी है, उसके साथ साथ लोग इंटरेस्टेड इसलिए नहीं कि हर किसी के फैमिली जो है वो तो जी कोई किसी की लंदन में है तो किसी की अमेरिका में है तो किसी की दुबई में तो कोई कहीं है। मगर साथ आप ये भी देखें कि अगर हम इंडियन प्राइम मिनिस्टर को देखें तो उनकी फैमिली जो है वो इंडिया में ही है, उनके ऊपर कोई करप्शन के चार्जेस नहीं है। ये मैं तो खैर कह ही रही हूँ, लेकिन इमरान खान ने भी कहा था और वो भी रिकॉर्ड पे मौजूद है, आप लोग गूगल करके चेक कर सकते हैं कि इमरान खान का भी यही कहना है कि मोदी जी के ऊपर किसी किस्म के करप्शन के चार्जेस नहीं है। पाकिस्तान के लिए पीएम मोदी की पॉलिसीज जैसी रही हो वो रही हो, हम मानते हैं कि बहुत ज्यादा फ्रेंडली एटमोसफियर नहीं है, बहुत ज्यादा वेलकम पाकिस्तान नहीं है, लेकिन अपनी कंट्री के लिए उन्होंने बेहतरीन काम किया है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो लेकर आए हैं। उसके साथ साथ पूरी दुनिया इंटरेस्टेड है कि वो भारत में जाके इन्वेस्टमेंट करे, जबकि पाकिस्तान का बिल्कुल उल्टा हिसाब है। मैं कंपेयर नहीं कर रही, जो बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि जी भारत के साथ कोई कंपैरिजन बनता नहीं है, मैं भी मानती हूँ, लेकिन अपने से स्ट्रॉन्ग, अपने से बड़े, अपने से अच्छे कंट्री से सीखा तो जा सकता है। तो मैं भी सिर्फ सीखने को कह रही हूँ अपने पाकिस्तान के लोगों से कि भारत को देखें और भारत से सीखें कि किस तरह से उनकी इकोनॉमी आगे गई, किस तरह से उन्होंने अपनी एक रिस्पेक्ट बनाई है, और कैसे उनकी जब कोई कंपनी आती है तो वो ये समझती है कि वो महफूज है, उसका उसका पैसा भी जो है वो वापस आ जाएगा, उसको प्रॉफिट भी होगा। और ये सब चीजें देखकर यकीनन पाकिस्तान की जो आम पब्लिक है वो बहुत परेशान होती है। हमारे यहाँ जिस तरह के हालात हैं अभी वो सभी जानते हैं, उसमें बताने की कोई खास जरूरत नहीं, वैसे तो सब ने कई कई बार बताया है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को देखते हुए अब हमें उम्मीद हो रही है कि जो हमारी हालत है हम इससे आगे जाने वाले नहीं है, पीछे ही जाएंगे। अब हमारे मिनिस्टर्स ने ये तो कह दिया है कि जी हम सैलरीज नहीं लेंगे, लेकिन ये नौटंकी भी कब तक चलने वाली है।